हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम सीखेंगे कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए फ्रेंड्स। यहाँ पे सारे सामान आपको ले लेनी है। यहाँ पे आपको डबल फोल्ड एक न्यूज़पेपर लेना है। इसको मैं ओपन करके दिखा दी हूँ। इस तरह से आपका ये ज्वाइंट रहेगा और डबल फोल्ड करते हुए बंद भाग को अपने तरफ रखते हुए रखना है। तो सबसे पहले आपकी ब्लाउज की जो रेडी लेंथ है वो आपको लिख के रखना है, जितना आपका चेस्ट, वेस्ट और शोल्डर नाप के लेना है। तो यहाँ पर मेरा ब्लाउज की रेडी लेंथ हम तैयार करेंगे 13 इंच। तो आप जितना भी इंच का रेडी लेंथ, जैसे कि आप 13 इंच की ब्लाउज बनाए या 14 इंच की, तो उसमें आपको प्लस करना है 1.5 इंच। आप जितना भी लेंथ की ब्लाउज बनाते हैं इसमें आपको सिर्फ 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा लेनी है। तो अगर हम 13 इंच में 1.5 इंच लेंगे तो हमारा आ जाएगा 14.5 इंच, यानी 14.5 इंच हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको मेजरमेंट ले लिया है और सबसे पहले इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। तो मैं फिर से बता देती हूँ, आपको जितना भी रेडी लंबाई चाहिए उसमें आपको सिर्फ 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा लेनी है। तो अभी देखिए, हम इधर से 2 पॉइंट की जितना हाफ इंच से आधा हम यहाँ पे आई हुक की पट्टी के लिए एक निशान डालेंगे। तो ये निशान आपको जरूर से देना है। तो अभी हम शोल्डर मार्क करेंगे बिल्कुल इस पॉइंट को छोड़ते हुए, जो हमने 2 पॉइंट छोड़ा है आई हुक की पट्टी के लिए, उसको छोड़ते हुए हम 5.5 इंच पे इस तरह से शोल्डर के लिए नाप डालेंगे। यहाँ पे मैंने मार्क लगा लिया है। और आर्म होल की जो लंबाई रखेंगे वो हम रखेंगे 5 इंच। इस तरह से इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे और जो चेस्ट का लाइन है इसको भी हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है। तो अभी हम यहाँ पे आर्म होल में से 1 इंच आपको एक मार्क लगा लेनी है। जितना भी आपका आर्म होल है उसको डबल करते हुए एक निशान लगाते हुए आपको इस तरह से राउंडिंग शेप लगा लेनी है। तो अभी हम नेक की चौड़ाई रखेंगे। तो मैं यहाँ पे नेक चौड़ाई 2 इंच रख रही हूँ, आप चाहे तो इसको 2.5 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे नेक की जो लेंथ रखूंगी वो हमारा 6 इंच, और यहाँ से भी आपको 2 इंच पे मार्क लगाते हुए इसको बॉक्स बना लेनी है। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे एक राउंड शेप लगा देनी है इस तरह से। तो आपका जितना भी चेस्ट है, अभी से हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट आपका जितना भी हो इंची टेप को बिल्कुल इस तरह से मिला के रखना है। अगर 36 है तो 36 में इस तरह डबल करके रखिए, उसके बाद और एक बार फोल्ड लगा लीजिए। तो यहाँ पे हमारा चौथाई हिस्सा 9 इंच आया है, 36 का चौथाई हिस्सा हमारा 9 इंच। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 9 इंच पर। इस तरह से मार्क करने के बाद सिलाई मार्जिन 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेनी है। तो वेस्ट में भी हम यहाँ पे 9 इंच मार्क करेंगे और प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो अभी इन दोनों ही लाइनों को हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से आपको सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है। तो अभी हम मार्क करेंगे बेल्ट की लंबाई। तो हम बेल्ट की लंबाई इधर से आपको लेना है 3.5 इंच और नीचे तरफ से आपको 1/2 इंच डाउन करते हुए 3 इंच पे लेनी है। इस तरह से मिला देनी है तिरछे में। तो ये हमारा बेल्ट तैयार हो गया है। अगर आप चाहते हैं रेडीमेड स्टाइल तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कम करते हुए 1/2 इंच या 1.25 इंच इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल तरीका बता रही हूँ, आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारा जो चेस्ट है वो है चौथाई हिस्सा जो है 9 इंच, इसको आपको 3 में डिवाइड कर देनी है। तो हमारा निकल के आएगा 3 इंच। तो यहाँ पे 3-3 इंच मार्क करते हुए देखिए, ये हमारा 3-3 इंच इस तरह से चौथाई हिस्सा हुआ हमारा 9 इंच और इसको हमने 3 में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 3 इंच 3 इंच करते हुए हमें 3 भाग मिल गए। तो यहाँ से हम देखिए, 2 भाग को हम कटोरी में यूज करेंगे और 1 भाग को हम छोड़ देंगे। इस तरह से हमारे कटोरी निकालने में बहुत आसानी होती है। यहाँ पे नेक की साइड से आपको 1 इंच पे मार्क करना है और आर्म होल की साइड से 2 इंच पर। अभी हमें इसे कटोरी की शेप देनी है। इस तरह से आपको डॉट डॉट करते हुए सबसे पहले मिला लेनी है, इस तरह से इस पॉइंट तक लाना है। तो आप इसको, आप देखिए ध्यान से, हमने 2 भाग को ही कटोरी में यूज किया है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ पे नेक की तरफ 1.5 इंच करते हुए भी आप इसकी कटोरी की शेप लगा सकते हैं। तो आप दोनों ही मेथड कोई सा भी एक यूज कर सकते हैं। आप 1 इंच पे भी बना सकते हैं, 1.5 इंच पे भी। इसमें आपकी कटोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी मैं इसको पक्का कर लेती हूँ इस तरह से।
तो यहाँ पे हमारा कटोरी मेजरमेंट जो भी है, हमारा सारे मेजरमेंट तैयार हो चुके हैं। अभी इसको हम कटिंग करके निकाल लेते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिए, तब जाके आपको पूरी डिटेल्स की जानकारी होगी। फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत कीजिए, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल्स में बताई है। तो यहाँ पर हम बेल्ट को भी अलग कर लेंगे, बेल्ट और कटोरी को। इस तरह से हमें कटोरी को भी अलग कर देना है। तो यहाँ पर हमारा पूरी कटिंग हो चुका है। अब इसमें हमें दो चीज़ों की चेंजेस लानी है, जिसको हमें फिर से मार्किंग करनी है। एक कटोरी की, दूसरी हमारी बाजू वाली, बाजू की। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमारे कटिंग हो चुका है। अभी हम कटोरी को अलग कर लेंगे। इस तरह से दोनों ही कटोरी को आपको अलग कर लेना है। इसमें से आपको एक कटोरी और एक बाजू की कटिंग लेनी है, बाजू वाली जो कटिंग है हमारी। तो इस तरह से हमने दो पैनल को ले लिया है। अभी सिंपली हमें एक डबल फोल्ड न्यूज़पेपर और एक ले लेनी है, और इसको डबल फोल्ड करते हुए रखना है। तो यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड करते हुए अच्छे से इसको प्रेस लगाते हुए रखना है। और यहाँ पे मैंने कटोरी को रख लिया है। देखिए, आपको साइड से 2 इंच की गैपिंग छोड़ते हुए कटोरी को बराबर मिला के रखना है, इस तरह से गैप लगाते हुए। तो यहाँ पे मैं इसको पिन अप कर देती हूँ, इससे हमारी जो कटोरी है मेजरमेंट लेने में आसानी होगी। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या चेंजेस करना है, तो वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए जो हमारा सेंटर पॉइंट है, इस तरह से देखिए हमारा सिक्स, हमें जो दो पॉइंट है उसको आपको नहीं जोड़ना है। यहाँ पे देखिए हमारा सेंटर पॉइंट से आपको 1.5 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगानी है, और साइड से भी हमें 1.5 इंच की मार्किंग करनी है। यहाँ से भी हमें 1.5 इंच लेनी है, आप चाहे तो 1 इंच भी ले सकते हैं। तो इधर से भी आपको 1.5 इंच पे मार्क लगानी है। तो यहाँ से भी हमने 1.5 इंच लिया, और यहाँ से भी 1.5 इंच, और इधर से भी। अभी देखिए बटन पट्टी की तरफ जितना भी आपका मेजरमेंट है, अगर 5 इंच आता है तो आपको तिरछे में जहाँ पर हमने 1.5 इंच मार्क किया है वहाँ पर आपको पॉइंट लगा देनी है। इससे फिनिशिंग और अच्छा लुक आता है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने सारे निशान लगा लिए हैं। चलिए अभी हम इसको इस तरह से तिरछे में मिला लेते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है मन में, तो मुझे अब जरूर से कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको किस तरह की और भी ब्लाउज की जानकारी, सिलाई सीखनी है पेपर कटिंग की, तो मुझे जरूर से बताइएगा। तो यहाँ पे नेक की जो तरफ है वहाँ पे आपको सिंपली ड्रॉ कर देना है। अभी देखिए हमें ऊपर की तरफ 2 पॉइंट जितना है, 1/2 इंच से थोड़ा कम आपको यहाँ पे मार्क लगानी है, सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा। तो यहाँ से डॉट डॉट लगाते हुए हमें जहाँ पे हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है वहाँ पर आपको मिला देनी है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा पूरी मार्किंग जो है हो चुका है कटोरी की। इस तरह से आपको मार्किंग लगा लेनी है। तो कटोरी जॉइंट वाली पैनल को भी हमें इस तरह से मिला के रखना है, जिससे हमारी सिलाई मार्जिन निकल के आ सके। तो यहाँ पे भी मैं पिन अप करके रख देती हूँ, इससे हमारी मार्जिन लेने में आसानी हो। तो यहाँ पे सिंपली नेक के साइड, शोल्डर, इन सब में आपको कोई एक्स्ट्रा नहीं लेनी है, सिंपली इसी के ऊपर हमें ड्रॉ कर देना है। आर्म होल साइड के तरह भी सिंपली इस तरह से ड्रॉ कर देना है। तो चलिए इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से आपको ड्रॉ कर दीजिए, और यहाँ पर आपको 1/2 इंच जितना ऊपर की तरफ डाउन करते हुए कटोरी की साइड आपको तिरछे में मिला लेनी है। तो अभी हम कटोरी के लिए सिलाई मार्जिन हम लेंगे 2 पॉइंट जितना, बिल्कुल 2 पॉइंट से 2 पॉइंट जितना ही आपको लेनी है। तो ये हमारे कटोरी ज्वाइंट के लिए हमें इधर से एक्स्ट्रा लेनी होती है, और इधर से 1/2 इंच जितना ही आपको डाउन करते हुए कटोरी साइड में इस तरह से मिला देनी है, इससे हमारी बेल्ट अच्छे से जॉइंट हो जाएगा। तो चलिए इसकी हमें अभी कटिंग कर लेनी है। तो आपकी डाउट अगर कुछ भी रह जाता है तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। अगर आज की क्लास में आपको अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो जरूर से मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा,
ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चैनल पर बने रहिए फ्रेंड्स। इस तरह से हर एक सिलाई की वीडियो, पेपर कटिंग की वीडियो में इस तरह से लाती रहूंगी फ्रेंड्स, जिससे आप घर बैठे सिलाई सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी पूरी कटिंग इस तरह से कर चुके हैं। तो हमारी कटोरी और जो हमारी बाजू वाली पैनल है वो हमारा मेजरमेंट हो चुका है। तो अभी जो पहले वाली हमने कटोरी और बाजू जो हमने कटिंग किया था, ये हमारा अभी कोई काम का नहीं है। तो ये हमारा अभी इन्हीं में से हमारा ब्लाउज रेडी होगा। तो इस तरह से देखिए हमारा दो कटोरी आ चुके हैं और दोनों बाजू भी। तो सबसे पहले कटोरी की हमें अभी डॉट पॉइंट मार्क करनी है। तो ये हमारा जो सेंटर पॉइंट है वहां से आपको 3 इंच पर मार्क लगानी है इस तरह से ऊपर की तरफ। और जो हमने साइड में से 1.5 इंच लिया था वहां से आपको देखिए इस पॉइंट से 1.5 इंच और इधर से भी 1.5 इंच इस तरह से पॉइंट लगाते हुए हमें इस तरह से डॉट की मार्क लगा देनी है। सेम तरीके से हमें इस कटोरी में भी मार्किंग कर लेनी है। तो चलिए इसमें भी हम मार्क लगा लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही कटोरी की मार्किंग हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने सुई धागा ले लिया है, इसको मैं अभी स्टिच करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से बराबर आपको मिला के रखते हुए कटोरी की सिलाई लगा लेनी है। अगर आपको कम पफ्स चाहिए तो आप इसमें साइड में से 1 इंच लगाते हुए कटोरी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच लिया है, इससे आपकी जो पफ्स है वो कटोरी की जो शेप है वो बहुत ही अच्छा आता है। अभी मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ ये किस तरह से ये पफ्स निकल के आएंगे। तो देखिए ये हमारा कटोरी इस तरह से हमारा बन के एकदम तैयार है। तो आप देख सकते हैं कटोरी की। तो अभी सेम तरीके से इस कटोरी को हम तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे हमारी दोनों ही कटोरी तैयार हो चुके हैं। तो अभी हमें इसकी जो साइड कटोरी की जॉइंट लगानी है। तो आप चाहें तो बीच में यहाँ पे और एक टाकी लगा सकते हैं, जो हमारा टक्स होता है इस तरह से सेंटर फोल्ड करते हुए टक्स लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नहीं लगा रही हूँ, आप चाहें तो लगा सकते हैं। तो अभी हम कटोरी को जॉइंट करेंगे। तो किस तरह से सिलाई लगानी है वो आपको समझना है। आपको कोई भी कटोरी को जॉइंट करना है इस तरह से नेक की तरफ मिलाते हुए राउंडिंग लगाते हुए स्टिच कर देनी है और जो भी एक्स्ट्रा होता है उसको कट लगा देनी। सेम तरीके से आपको दूसरी साइड भी कटोरी को आपको नेक की तरफ से इस तरह से राउंडिंग लगाते हुए स्टिच लगा लेनी है। तो चलिए सबसे पहले एक कटोरी को हम जॉइंट कर लेते हैं। तो आपने कटोरी की सिलाई मार्जिन जितना लिया है उतना ही पॉइंट आपको दबाते हुए कटोरी की सिलाई लगानी है और इधर से 2 इंच आपका आनी चाहिए। तो चलिए अभी इसको हम स्टिच कर लेते हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, किस तरह से आपको सिलाई लगानी है। बिल्कुल नेक को इस तरह से मिला के रखना है। इस तरह से मिला के रखते हुए सिलाई करना स्टार्ट करना है और जैसे जैसे आप सिलाई लगाते जाएंगे आपको राउंडिंग लगाते हुए इसकी सिलाई लगानी है। बिल्कुल इस तरह से आराम से आपको स्टिच लगानी है। आप जब कपड़े में इसकी कटोरी ज्वाइंट करेंगे तो ये इजीली ज्वाइंट हो जाता है राउंडिंग लगाते हुए भी। तो पेपर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो आप इसको आराम से इस तरह से सिलाई लगाते हुए कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने कटोरी को इस तरह से स्टिच कर लिया है। तो अभी हम हल्के हाथों से प्रेस लगाते हुए कटोरी को अच्छे से सेट कर लेते हैं। इस तरह से बिल्कुल आराम से आपको इस कटोरी को सेट कर लेना है। तो इस तरह से हमारी कटोरी जॉइंट हो गया है और जो भी हमारा एक्स्ट्रा नीचे की तरफ आ गया है इसको हम कट लगा देंगे। इस तरह से कट लगाने के बाद अभी हम बेल्ट की जॉइंट करेंगे। तो दूसरी साइड के लिए भी और एक आपको बेल्ट पट्टी कट कर लेना है डबल फोल्ड पेपर के ऊपर रखते हुए। तो यहाँ पर मैंने और एक बेल्ट की कटिंग लगा लिया है। सेम तरीके से आपको और एक बेल्ट निकाल लेनी है ब्लाउज की दूसरी साइड के लिए। तो यहाँ पे हमारा दोनों बेल्ट इस तरह से कटिंग हो चुका है। तो हमें एक साइड ही बेल्ट ज्वाइंट करके दिखाऊंगी। तो किस तरह से आपको देखिए बेल्ट को ज्वाइंट करना है। सबसे पहले तो इस बेल्ट को आपको अलग कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अलग कर लिया और सीधी साइड हमारा नीचे की तरफ है।
तो बेल्ट को आपको इस तरह से ऊपर की तरफ एक पलट के रखना है, दूसरा नीचे की तरफ, जिस तरह मैंने आपको वीडियो में दिखाया सेम तरीके से आपकी जो बेल्ट पट्टी है ब्लाउज की उसको आपको सेट करके रखना है। तो यहाँ पर देखिए तीनों को आपको एक नीचे की साइड हमारा बेल्ट पट्टी है उसको भी बराबर करते हुए मिला के रखना है और ऊपर की साइड भी इस तरह से बराबर मिला के रखते हुए आपको स्टिच लगाने, बिल्कुल दो पॉइंट जितना ही आपको यहाँ पे सिलाई में दबाना है। अगर आप इससे ज्यादा दबाते हैं तो आपकी जो ब्लाउज की जो रेडी लेंथ है उसमें आपका कम ज्यादा हो सकता है, तो आपको दो पॉइंट ही जितना आपको दबाना है। तो चलिए इसको हम स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे जो भी टिप्स होते हैं ब्लाउज को फिनिशिंग देने में वो मैं बताई हूँ, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जो हमने टक्स दिया था कटोरी को इस तरह से आपको फोल्ड लगाते हुए यहाँ पे बेल्ट के साथ अटैच कर देना है, इससे इसका लुक जो हमारा भीतर की उल्टी साइड है वो भी अच्छा लगता है, फिनिशिंग लगता है ब्लाउज देखने में। तो इस तरह से आपको पूरी बेल्ट की स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पर हम बेल्ट को जॉइंट कर लेते हैं। आपके मन में जो भी डाउट्स हो आप मुझे पूछ सकते हैं, और आपको कौन सी क्लास की वीडियो, कौन सी पेपर कटिंग की वीडियो चाहिए मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन पर जरूर से बताइएगा। तो यहाँ पर मैंने इस बेल्ट को अटैच कर लिया है और इसको इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड लगा लिया है, बिल्कुल इस तरह से देखिए हमारा ये बेल्ट जॉइंट हो चुका है। तो नीचे की तरफ भी हमें दो पॉइंट जितना ही दबानी है। तो कपड़े पे हम जिस तरह से देखिए यहाँ से हम फोल्ड लगाते हुए पलटते हुए हम बेल्ट पट्टी अटैच करते हैं, लेकिन पेपर में ये फोल्ड करते हुए दबाना ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं पेपर में दोनों ही साइड इस तरह से फोल्ड लगाते हुए इसको दबा लूंगी, हाफ इंच से आपको थोड़ा कम। तो इसी तरह से फोल्ड करते हुए इसको हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इसको पूरी तरीके से आपको बड़े बड़े टाके लगाते हुए इसको स्टिच कर लीजिए। इस तरह से अगर आप एक दो बार पेपर में कटिंग करते हैं तो बहुत ही जल्दी आप कटोरी ब्लाउज कोई भी साइज के आप ब्लाउज बना सकते हैं। जिस मेथड से मैंने आपको बताया सेम मेथड आप अप्लाई करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बेल्ट अटैच लगा लिया है, इस तरह से सिलाई हमने लगा लिए है, तो आप देख सकते हैं सीधी साइड की फिनिशिंग और हमारी उल्टे साइड की भी फिनिशिंग अच्छा आया है। तो यहाँ पर हम दो इंच चौड़ी एक पट्टी ले लेंगे जो कि हमारा बटम कांच पट्टी रहेगा, इस तरह से दो इंच चौड़ी लंबी पट्टी हमें कट लगा लेनी है। तो चलिए इसको हम कटिंग कर लेते हैं। अगर आपको कांच कटिंग करना नहीं आता है तो मैंने शॉर्ट में बहुत ही अच्छे ट्रिक्स बताई हैं, आप जाके मेरी बटम कांच कटिंग की आप टिप्स देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है, मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम साइड से एक बार फोल्ड लगा लेंगे और नीचे साइड इस तरह से हाफ पिन छोड़ते हुए पलट लेंगे। तो ये पेपर में फोल्ड करने में आसानी नहीं होती, इसीलिए मैं नीचे की तरफ हाफ पिन जितना छोड़ते हुए इसको मैं स्टिच कर लूंगी। बिल्कुल आपको पॉइंट दो इंच जितना ही दबानी है, जितना हमने ब्लाउज कटिंग करते वक्त छोड़ा था सेम उतना ही आपको दो पॉइंट जितना ही छोड़ते हुए स्टिच कर लेना है। बिल्कुल नीचे की तरफ मैंने हाफ इंच हल्का सा निकाल के इस तरह से इसको स्टिच कर लेना है। तो चलिए इसको हम स्टिच कर लेते हैं। तो आज की क्लास आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट पर बताइएगा, और आपको कौन सी पेपर कटिंग की सीखनी है पेपर कटिंग की क्लासेस मुझे जरूर से बताइएगा, ताकि और भी वीडियो में आपके लिए लेके आ पाऊँ। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन का भी जरूर से प्रेस कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने ये बटम कांच पट्टी को अटैच कर लिया है और इस तरह से आपको पलट देना है, इस तरह से फोल्ड लगाते हुए पलट देनी है, और नीचे हमने जो पॉइंट छोड़ा था उसको इस तरह से फोल्ड लगाते हुए पलट देना है, और यहाँ पे एक तुरपाई लगा देनी है। तो यहाँ पे मैं सिंपली पिनअप कर देती हूँ, इस तरह से पिनअप करते हुए रख देती हूँ, और आपको इसमें तुरपाई लगा देनी है। सेम तरीके से हमें ब्लाउज की फ्रंट पार्ट का दूसरा साइड भी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दूसरी साइड को भी तैयार कर लिया है, इस तरह से देखिए
सीधी साइड और हमारी जो भीतर की साइड है उसका फिनिशिंग कितना अच्छा आया है, तो इसी तरह से आपको तैयार करना है। और तिरछी पट्टी कटिंग करते हुए आपको नेक की भी स्टिच लगानी है। तो चलिए अभी हम सबसे पहले इसकी चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। तो जितना भी आपका चेस्ट का चौथाई हिस्सा है उसको आपको मेजरमेंट ले लेनी है, और जितना भी आपका वेस्ट है अभी 8.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है। और यहाँ पर देखिए बेल्ट की साइड भी आपको इस तरह से मार्क कर देनी है, और यहाँ पे थोड़ी सी सीधी करते हुए आपको लाइन ड्रॉ कर देना है। इससे क्या होता है कि हमारा जो नीचे की साइड जो बेल्ट है वो अच्छी फिनिशिंग, जब हम बाजू को ऊपर करते हैं ना तब हमारे जो नीचे की साइड जो बेल्ट जो उड़ जाती है वो नहीं उड़ती है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली इस तरह से तिरछे में ज्वाइंट लगा सकते हैं। तो ये आपकी पसंद के अकॉर्डिंग आप इस तरह से एक बार स्टिच लगा के जरूर देखिएगा। आपकी बाजू जब ऊपर की तरफ करेंगे तो आपकी बेल्ट साइड आपकी जो है वो ऊपर की तरफ नहीं आएगा। तो सेम तरीके से आपको दूसरी साइड बटन पट्टी को छोड़ते हुए यहाँ पे 9 इंच पे मैंने मार्क कर लिया, और इधर से आपका जितना भी वेस्ट है आपको मार्किंग कर लेना है जितना आपका बेल्ट है वहां तक, और यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद बाजू तक यहाँ पे तिरछे में हल्के से करते हुए यहाँ पे मार्क लगा लेनी है। इससे बहुत ही अच्छा फिटिंग आती है, तो आप एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए ये जो हमारा एक्स्ट्रा का जो सिलाई मार्जिन है उसको भी हम फोल्ड कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे फोल्ड कर देती हूँ, इस तरह से फोल्ड लगा लेनी है। सेम तरीके से यहाँ से भी आपको फोल्ड लगा लेनी है। तो देखिए हमारा ये दोनों ही फ्रंट पार्ट कटोरी ब्लाउज की फ्रंट पार्ट तैयार है। तो यहाँ पर हमारी जो तैयार लंबाई थी वो थी 13 इंच। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये किस तरह से ये परफेक्ट हमारा तैयार होगा ये देखना है। तो 1/2 इंच तो हमारा ऊपर की तरफ फोल्ड होगा, तो ये हमारा अभी टोटल आना चाहिए 13.5 इंच। तो देखिए ये हमारा टोटल 13.5 इंच है, हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ यहाँ पे फोल्ड करेंगे। इस तरह से मार्क लगा दिया है 1/2 इंच पे। यहाँ पे इसको फोल्ड करने के बाद भी हमारे 13 इंच रेडी लेंथ हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इस दोनों ही साइड की जो कंधा है इसको मैंने फोल्ड कर दिया है। तो फोल्ड करने के बाद इसकी जो लंबाई है सेम आपको 13 इंच मिल जाएगा। तो इसमें कोई भी डाउट अगर है तो जरूर से बताइएगा। यहाँ पे हमारा 13 इंच मिल चुका है। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर से बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। फ्रेंड्स मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और फुल वीडियो वॉच करने के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच। अगर अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कीजिए फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू।